In conditionals, conditional sentence, we will learn next pattern, next structure today. आज conditional sentence के session में हम लोग अगले structure पर अभ्यास करेंगे, अगले structure को, अगले pattern को जानेंगे. कल हमने जाना था कि अगर दो सेंटेंस एक साथ आते हैं और दोनों फ्यूचर टाइम के प्रोग्राम को बताते हैं, लेकिन अगर कंडीशन हो तो एक जो है वो फ्यूचर इंडिफिनिट होगा और दूसरा प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा. आज का जो ये कंडीशनल है, कंडीशनल्स, कंडीशनल्स है वो क्या है, टू, कंडीशनल टू. आज फिर वही है, सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट वी वन वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद फिर लेंगे सब्जेक्ट और मॉडल वर्ब, सब्जेक्ट और मॉडल वर्ब प्लस वी वन और ऑब्जेक्ट. देखने से तो कुछ मैच म्यूचुअल लगेगा, लेकिन हम कल हम लोग क्या किए थे, केवल फ्यूचर इंडिफिनिट सेल और विल का यूज किए थे. आज मॉडल वर्ब में कोई भी यूज कर सकते हैं. इसको अगर चेंज करते हैं तो इसको पहले ले सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट, और इफ जो है यहाँ मिडल में आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट प्लस वी वन वी फाइव प्लस ऑब्जेक्ट. एक जो बात होगी वह होगी कि यह जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है यहाँ सिंपल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, यहाँ सिंपल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, प्रेजेंट का सिंपल स्ट्रक्चर भी हो सकता है. एग्जाम्पल के लिए यदि तुम मेहनत करते हो तो अच्छा अंक ला सकते हो, अच्छा अंक ला सकते हो, अच्छा अंक ला सकते हो. या यदि तुम मेहनत करो तो अच्छा अंक ला सकते हो, पा सकते हो. तो इस तरह के सेंटेंस में क्या करेंगे, If you work hard, तो अच्छा अंक ला सकते हो, कौन तुम, you can score good marks. अगर तुम मेहनत करते हो तो अच्छा अंक ला सकते हो. अगर मैं आपका काम करता हूं तो मुझे पैसा मिलना चाहिए. If I do your work, I should get money. चेंज करेंगे, I should get money, या इसको लिख सकते हैं I should get money if I do your work. मतलब क्या है कि अगर मैं तुम्हारा काम करता हूं मुझे पैसा मिलना चाहिए.
अब अगर अगर उसका स्वभाव अच्छा है, अगर उसका स्वभाव अच्छा है, जैसे आपने बोला था कि हम इज एम आर का भी यूज कर सकते हैं इसी स्ट्रक्चर को, जब हमने क्या कहा एक्जिलियरी वर्ड, एक्जिलियरी वर्ड में हम क्या लाएंगे इज एम आर लाएंगे, यहां एक्जिलियरी में क्या लाएंगे इज एम आर लाएंगे। तो अगर वह अच्छा है, अगर उसका व्यवहार अच्छा है, इफ हिज बिहेवियर इज गुड, इफ हिज बिहेवियर इज गुड, ही कैन गेट अ जॉब, अगर उसका व्यवहार अच्छा है तो वह नौकरी पा सकता है। यदि उसका व्यवहार अच्छा है, यदि उसका व्यवहार अच्छा है तो वह नौकरी प्राप्त कर सकता है, तो वह नौकरी प्राप्त कर सकता है, नौकरी प्राप्त कर सकता है। अब इसको हम उदाहरण से भी लिख सकते हैं, कैसे ही कैन गेट अ जॉब इफ ही बिहेवियर इज गुड, अगर उसका स्वभाव अच्छा है तो वह नौकरी पा सकता है। अगर इसको इंटरोगेटिव करना है तो कैन ही गेट अ जॉब इफ ही बिहेवियर इज गुड, क्या उसको नौकरी मिल सकती है अगर उसका व्यवहार अच्छा है। इफ आई हैव मनी, इफ आई हैव मनी आई मे बाई अ मोटरसाइकिल, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं मोटरसाइकिल खरीद सकता हूँ। तो ये कंडीशन है कि मैं मोटरसाइकिल कब खरीद सकता हूँ, अगर मेरे पास पैसा है। कैन आई बाई अ पेन इफ आई हैव मनी, क्या मैं कलम नहीं खरीद सकता अगर मेरे पास पैसा हो। मीन्स क्या है कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं कलम खरीद सकता हूं। तो इस तरीके से अगर इधर प्रेजेंट हो या फिर एक्जिलरी का यूज करके प्रेजेंट की बात हो, तो इधर मॉडल वर्ब का यूज करके उस कंडीशन को, उस स्थिति को, सिचुएशन को हम बता सकते हैं।